हम बात कर रहे हैं HFCL की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक जो है छोटे मोटे अपसाइड के साथ हमको फ़िलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 96.70 पैसे पर फ़िलहाल हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक ने 90 के लेवल से बाउंस बैक किया। हमने 90 के लेवल को तगड़े सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं किया स्टॉक ने, उसी लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ। और हम देख सकते हैं हमको अब यहाँ पैटर्न जो है बदलता नज़र आ रहा है। HFCL में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। आज की डेट में स्टॉक ने हमको 98.20 तक का जम दिखाया। हम देख सकते हैं पहले इसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, 98 का लेवल, अब यह रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से HFCL का खेल पलट सकता है, हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अब जहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 96 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 94 और तगड़े सपोर्ट का काम करेगा। ये जो इसका लो है जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया, यहाँ से HFCL तेज़ी दिखा सकता है। अब हमको इंतज़ार करना है, 100 तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक में। 100 तक का जंप हमको इंतज़ार करना है 100 के लेवल के ब्रेकआउट का। 100 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो फिर उसके बाद स्टॉक हमको बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा 100 के ऊपर क्लोजिंग का आना। अगर 100 के ब्रेकआउट करके स्टॉक क्लोजिंग दे जाता है तो फिर बड़ी तेज़ी HFCL में देखने के लिए मिल सकती है। अगला टारगेट बनेगा 104, इसको ब्रेकआउट करके 108 से लेके 1110 तक के टारगेट HFCL हमको दिखा सकता है। वीडियो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।